पिछले दिनों राजधानी के कला प्रेमियों ने एक अनूठी कला प्रदर्शनी का नजारा किया। ये कलाकृतियां उस समय को साकार करती हैं, जिसके बारे में आज की पीढ़ी सोचती है। हेमेंद्रनाथ मजुमदार, अब्दुल रहमान चुगतई और जेमिनी राय सरीखे कलाकारों की कृतियों के साथ ब्रिटिश काल की कुछ मशहूर साजो सामान रखे गए थे। ये प्राचीन एंटिक्स तो आकर्षण केंद्र थे ही, इस प्रदर्शनी की दूसरी खास बात थी इसकी नीलामी, जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता था। ये प्रदर्शनी बोरिंग नामक संस्था ने आयोजित की थी, जो कला के क्षेत्र में एक नई शुरुआत है, जो कलाकारों के लिए व्यावसायिक रूप से फायदेमंद होने के साथ साथ कला प्रेमियों के लिए एक नई संभावना भी। इंडियन मार्केट इज अनएक्सप्लॉइटेड टू अ डिग्री। आई थिंक देयर इज अ ह्यूज वेल्थ ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट इन दिस कंट्री। There's markets to be developed, Indian silver, textiles, carpets, which have never really been offered at auction to the general public before. इस प्रदर्शनी की नीलामी से कला प्रेमियों के उत्साह के साथ साथ एक और संकेत मिलता है। अधिकतर खरीदारों ने नई पीढ़ी के कलाकारों को तवज्जो दी, जैसे स्वर्गीय जेमिनी राय की मशहूर पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड 2 लाख में बिकी, तो एम एफ हुसैन की काली सीरीज की पेंटिंग्स 16 लाख की कीमत के आसपास पहुंच गई।